हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विट्जरलैंड की। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश। अगर आप इस कंट्री में जाकर के रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको स्विट्जरलैंड का वीजा मिल सकता है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, आपको कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई करना होगा ये भी बताऊंगा। दोस्तों किस टाइप का वीजा आपको मिल सकता है, दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, आपको कौन कौन से अलग अलग टाइप के वर्क परमिट्स मिल सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। बस वीडियो के एंड तक जरूर बने दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप स्विट्जरलैंड में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको फ्री में सीवी पाने का तरीका भी बताऊंगा। अगर आप फ्री में सीवी चाहते हैं तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करोगे तो बहुत सारी जानकारी जो छोड़ दोगे और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखोगे कि अरे ये तो झूठ बोलता है। झूठ नहीं बोलूंगा, आपको फ्री में सीवी चाहिए तो एंड तक बने रहिए, ठीक है। अभी सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि स्विट्जरलैंड में इस वक्त बहुत बड़ी लेबर शॉर्टेज पड़ी हुई है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोगों की जरूरत है। दोस्तों आपको बहुत सारी हाईली स्किल्ड जॉब देखने मिल जाएंगी और सेमी स्किल जॉब्स देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, जिन जॉब्स के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी जॉब में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको कुछ करना नहीं दोस्तों, आपको अपने लिए अच्छा सीवी कवर लेटर बनाना है, वेबसाइट्स पे जाना है, जॉब सर्च करके जॉब्स के बारे में पढ़ करके जॉब के लिए अप्लाई कर देना दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप वहां जाने के लायक हो दोस्तों, तो आपको जॉब मिल सकती है। बस कॉन्फिडेंटली जो है कंसिस्टेंसी के साथ जो है जॉब के लिए अप्लाई करते रहो, ठीक है। अभी मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि कोई फायदा है नहीं ज्यादा बातें करने का, आपको मुद्दे की बात बताता हूं दोस्तों। वर्क वीजा कैसे पा सकते हैं, वर्क वीजा के लिए आपको क्या क्या करना होगा वो जान लेते हैं। चलिए ले चलता हूं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों अभी मैं आपको एक ऐसे आर्टिकल पे लेके आया हूँ जहां से मैं आपको स्विट्जरलैंड के वीजा की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों स्विट्जरलैंड में किस टाइप का आप वीजा ले सकते हैं, वीजा का प्रोसेस क्या होने वाला है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, कितने अलग अलग टाइप के वर्क परमिट्स होते हैं, सारी की सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द स्विस वर्क वीजा इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ स्विट्जरलैंड लॉन्ग स्टे वीजा, also known as national or D visa. It allows the holder of to work in Switzerland for the duration that the visa is issued. अगर आप Swiss work visa लेते हैं तो ये जो है एक long term visa होता है दोस्तों, जिसे D visa भी कहते हैं दोस्तों। इस visa के तहत आप जो है स्विट्जरलैंड में रह करके काम कर सकते हैं, और ये वीजा का ड्यूरेशन जो है दोस्तों आपकी जॉब पे डिपेंड करता है। जितने दिनों का आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होगा दोस्तों उतने दिनों का जो है आपको ये वीजा मिल सकता है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर अ स्विस वर्क वीजा डिपेंड्स ऑन योर नेशनैलिटी अमॉन्ग अदर थिंग्स एज विद अदर टाइप्स ऑफ वीजा डिफरेंट रूल्स अप्लाई फॉर EU और EFTA citizens एज अपोज टू नॉन EU और EFTA citizens। आपके वर्क वीजा का प्रोसेस जो है आपकी नेशनैलिटी पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कौन सी कंट्री से आते हैं, लेकिन कुछ जनरल चीज़ें होती हैं जो जनरल रूल्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ स्विट्जरलैंड वर्क वीजा, यहाँ लिखा हुआ है एज अ नॉन EU और EFTA सिटीजन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ स्विट्जरलैंड वर्क वीजा इफ यू मीट द फॉलोइंग कंडीशन। अगर आप यूरोपियन यूनियन के बाहर रहते हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन से बाहर किसी कंट्री के सिटीजन है दोस्तों, तो आपको जो है नीचे दिए गए सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। अगर आप एक स्किल्ड और क्वालिफाइड वर्कर हैं, सपोज मैनेजर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और आपके पास एक डिग्री है, स्पेशल ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक एक्सपर्टीज है, तो आपको जो है वर्क वीजा मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं। यू ऑलरेडी हैव अ जॉब वेटिंग फॉर यू, अगर आपके पास कोई जॉब ऑलरेडी है स्विट्जरलैंड में तो आपको जो है वर्क वीजा मिल सकता है दोस्तों। There is no EU EFTA citizen who would take the job instead. अगर वहां पर यूरोपियन यूनियन का कोई बंदा जो है कोई जॉब करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो आपको जो वर्क वीजा मिल सकता है दोस्तों, तो आपको जो है जॉब मिल सकती है एज अ फॉरेन वर्कर। द एनुअल कोटाज फॉर स्विस वर्क वीजाज अलाउ इट, स्विस वर्क वीजा का जो एनुअल कोटा है अगर उसके अंदर ही आप वीजा के लिए अलाउ करते हो तो आपको वीजा मिल सकता है, अगर कोटा एक्सीड हो जाएगा दोस्तों तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स जो आपको फुलफिल करने होते हैं दोस्तों। इफ यू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स एंड योर एम्प्लॉयर इज अप्लाइंग फॉर योर रेजिडेंस परमिट देन यू कैन अप्लाई फॉर योर स्विट्जरलैंड वर्क वीजा। अगर आप ये सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लेते हैं, आपका एम्प्लॉयर आपके रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर देता है, तो आपको वीजा मिल सकता है दोस्तों। हाउ टू अप्लाई फॉर स्विट्जरलैंड वर्क वीजा, कैसे अप्लाई करना होता है वो आपको बता देता हूं। The process for obtaining a Swiss work visa goes through these steps. स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको जॉब सर्च करनी होती है, फाइंडिंग अ जॉब इन स्विट्जरलैंड सबसे पहली स्टेप होता है दोस्तों। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्विस वर्क वीजा डॉक्यूमेंट फाइल, स्विस वर्क वीजा के जो डॉक्यूमेंट फाइल होता है दोस्तों, दूसरा स्टेप ये होता है कि उसे हमें कंप्लीट करना होता है। तीसरा स्टेप क्या होता है, योर एम्प्लॉयर अप्लाइज फॉर योर रेजिडेंस परमिट इन स्विट्जरलैंड। तीसरे स्टेप में जो है आपका एम्प्लॉयर आपके रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करता है, और चौथा स्टेप जो होता है दोस्तों आपको जो है अपनी कंट्री में स्विट्जरलैंड वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। ये चार स्टेप होते हैं अगर आप स्विट्जरलैंड का वर्क वीजा लेना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है दोस्तों फाइंडिंग अ जॉब इन स्विट्जरलैंड। आपको जॉब कैसे सर्च करनी है वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एक वेबसाइट पर लेके जाऊंगा, आप बस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों।
दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फाइंडिंग अ जॉब इन स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा लग सकता है कि इम्पॉसिबल है और थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है परहैप्स समवन ऑलरेडी अप्रोच्ड यू विद एन ऑफर एंड यू डोंट हैव टू एक्टिवली लुक फॉर अ जॉब। हाउएवर इफ यू डोंट हैव एन एम्प्लॉयर इन स्विट्जरलैंड ऑलरेडी, वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू फाइंड अ जॉब दैट फिट्स यू इज थ्रू अ रिक्रूटमेंट एजेंसी। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप ढूंढ ढूंढ के थक चुके हो, अगर आपको कोई एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो आप रिक्रूटमेंट एजेंसी की मदद भी ले सकते हो। अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसी की मदद लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो दोस्तों, मैं आपके लिए जो है स्विट्जरलैंड की बढ़िया बढ़िया इमिग्रेशन एजेंसी की जानकारी लेके आऊंगा, जिनको कॉन्टैक्ट करके आप भी स्विट्जरलैंड मूव कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज कैन हेल्प फॉरन नेशनल्स फाइंड अ जॉब इन स्विट्जरलैंड दैट इज सूटेड टू देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। एजेंसीज जो है स्किल्स और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जॉब ढूंढने में मदद कर सकती है। दे नो द लोकल जॉब मार्केट एंड कैन हेल्प यू विथ योर जॉब एप्लीकेशन, सीवी, इंटरव्यू एंड गिव टिप्स ऑन हाउ टू सिक्योर द जॉब। एजेंसीज को लोकल जॉब मार्केट का पता होता है, उनको पता होता है कहाँ शॉर्टेज ज़्यादा है, कौन से लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो जो है आपको हर चीज़ में आपकी मदद कर सकते हैं दोस्तों। आपके एप्लीकेशन में आपकी मदद कर सकते हैं, सीवी कैसे बनाना है उसमें मदद कर सकते हैं, इंटरव्यू वगैरह में मदद कर सकते हैं, आपको जॉब सिक्योर करने में आपकी मदद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कंप्लीटिंग द स्विस वर्क वीज़ा डॉक्यूमेंट फाइल। डॉक्यूमेंट फाइल अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा दोस्तों, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो देख लेते हैं। 3 कंप्लीटेड एंड साइंड लॉन्ग स्टे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म्स इन आइदर जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश और इंग्लिश। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा अच्छी तरीके से, और वो इंग्लिश में हो सकता है या तो जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, किसी में भी लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन सही तरीके से होना चाहिए, भरा होना चाहिए दोस्तों। आपको कोई भी गलती नहीं करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद वैलिड पासपोर्ट या फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें कम से कम 2 पेज खाली होने चाहिए दोस्तों। उसके बबाद आपके मतलब पासपोर्ट के 3 पेजेस की रेलिवेंट कॉपी होनी चाहिए, मतलब फोटो कॉपी चाहिए होगी। 4 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोज, आपके पासपोर्ट साइज फोटोज की जरूरत पड़ेगी, चारों एक तरीके के होने चाहिए दोस्तों। जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो आप जॉब सिक्योर करोगे स्विट्जरलैंड में, उसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो भेजेगा आपका एम्प्लॉयर, उसको भी आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट फाइल में लगाना होता है दोस्तों। प्रूफ ऑफ योर प्रोफेशनल एक्टिविटी, आपके प्रोफेशनल एक्टिविटी का प्रूफ, मतलब आप जो कर्म करते हो उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा आपको दोस्तों। एक्सपीरियंस वगैरह आप दिखा सकते हैं। कॉपीज ऑफ योर क्वालिफिकेशंस, आपको जो है अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे दोस्तों। उसके बाद डिटेल्स अबाउट योर प्रीवियस एजुकेशन, लाइक योर ग्रेड, सब्जेक्ट्स एंड द डेट्स यू अटेंडेड द यूनिवर्सिटी कॉलेज, ये सारे डिटेल्स आपको दिखाने पड़ेंगे दोस्तों। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, 10th, 12th, आपको जितने भी मतलब जिस हिसाब से आपको जॉब मिल रही है उसमें जो भी क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है दोस्तों, उतनी क्वालिफिकेशंस के आपको जो है डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जो अपना सीवी अटैच करना पड़ता है, यहाँ देख सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स में, वीजा डॉक्यूमेंट्स में भी अपना सीवी लगाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको जो है वर्क वीजा के लिए अप्लाई करने का तरीका बताया जा रहा है। फर्स्ट योर एम्प्लॉयर अप्लाइज फॉर योर रेजिडेंस परमिट, सबसे पहले आपके रेजिडेंस परमिट के लिए आपका एम्प्लॉयर अप्लाई करता है। उसके बाद योर एम्प्लॉयर कैन प्रूव टू द कैंटोनल अथॉरिटीज, जो प्रांत होते हैं, प्रांत बटे हुए हैं दोस्तों, वहाँ पर हर कंट्री के जो है कुछ प्रोविंस और प्रांत बटे होते हैं, उन अथॉरिटी को जो है प्रूव करता है एम्प्लॉयर कि हाँ भैया कोई भी ऐसा बंदा नहीं है यूरोपियन यूनियन का या फिर स्विट्जरलैंड का जो कि यहाँ पर काम कर सकता है, इसीलिए मैं फॉरन वर्कर को हायर कर रहा हूँ। अगर वो प्रूफ कर देता है दोस्तों, उसके बाद जो है लोकल कंट्रोलर अथॉरिटीज आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करती है। उसके बाद व्हाइल योर एम्प्लॉयर अप्लाइज फॉर योर स्विस रेजिडेंस परमिट, यू हैव टू अप्लाई फॉर अ स्विस वर्क वीजा। जब आपका एम्प्लॉयर वहाँ पर रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करता है दोस्तों, तब आपको जो है स्विस वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना होता है अपनी होम कंट्री में। व्हेन द FOM मेक्स देयर डिसीजन ऑन योर रेजिडेंस परमिट, उसके बाद जब आपके रेजिडेंस परमिट में डिसीजन आ जाता है, अप्रूव किया जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है, डिसीजन बन जाता है दोस्तों, तब आपको जो है वहाँ की अथॉरिटीज़ बता देती है। वहाँ की अथॉरिटीज़ जो है आपकी कंट्री में स्विस एम्बेसी को भी बता देगी, तभी जो है आपके वीज़ा एप्लीकेशन को जो है अप्रूव किया जाएगा दोस्तों, और फिर उसके बाद जो है आपको वीज़ा मिलता है। वीज़ा और रेजिडेंस परमिट लेकर के जो है आप वहाँ पर पहुँच करके काम करना चालू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिडेंस परमिट्स फॉर अ स्विट्जरलैंड वर्क वीज़ा, अलग अलग टाइप के रेजिडेंस परमिट भी होते हैं। किस किस टाइप के होते हैं आप देख सकते हैं, परमिट L जिसको शॉर्ट टर्म रेजिडेंस कहते हैं दोस्तों, उसके बाद परमिट B जिसको टेम्प्ररी या फिर इनिशियल रेजिडेंस कहते हैं दोस्तों, उसके बाद परमिट C जिसको परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं। इफ़ यू हैव लिव्ड इन स्विट्जरलैंड फॉर 10 कंटिन्यूअस ईयर्स, अगर आप 10 साल तक स्विट्जरलैंड में रह लेते हैं दोस्तों, तो आपको जो है परमिट C मिल जाता है, आप परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं वहाँ की, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको पूरी पूरी जानकारी दे दी है दोस्तों कि अगर आप वर्क वीज़ा लेना चाहते हो तो प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से आपको स्टेप्स को फॉलो करना होता है दोस्तों, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, उसके बाद कितने टाइप के अलग अलग रेजिडेंस परमिट होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। इसके बाद अगर आप जॉब सर्च करना चाहते हैं तो जॉब कैसे सर्च करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा।
तो दोस्तों ये तो हो गई वर्क वीजा की जानकारी। अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अभी मैं आपको जो है स्विट्जरलैंड की सबसे बेस्ट वेबसाइट पे लेके चलता हूं, आपको जॉब अप्लाई करने का तरीका बताता हूं कि आपको कैसे अपना सीवी का लेटर सेंड करना हो दोस्तों, कैसे आपको अलग अलग टाइप की जॉब सर्च करनी होगी, पूरी की पूरी जानकारी देता हूं। तो चलिए ले चलता हूं फिर से एक बार आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर। देख सकते हैं दोस्तों इस वक्त मैं आपको जो है jobs.ch की वेबसाइट पे लेके आया हूँ, जो कि स्विट्जरलैंड की वन ऑफ द फेमस वेबसाइट्स है दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट जॉब पोर्टल जिसे कहते हैं। यहाँ पर जो है आपको अपने लिए बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर लोकल लोगों के लिए भी जॉब्स प्रोवाइड की जाती है और फॉरेन वर्कर्स के लिए भी जॉब प्रोवाइड की जाती है। तो आपको जो है जॉब सर्च करते ये ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो जॉब क्या आपके लिए है या नहीं है दोस्तों। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के जो है पता लगाना होगा। आपको जो है यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आ सकती है, ये स्विस लैंग्वेज में आपको जो है पेजेस ओपन होंगे यहाँ पर दोस्तों, लेकिन उसको जो है आपको गूगल ट्रांसलेट के जरिए इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना होगा, उसके बाद जॉब्स के लिए अप्लाई करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी करीब 1,00,000 जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन ये सारी की सारी जॉब्स आपके लिए नहीं है दोस्तों। आप जो है अपनी जॉब्स के लिए यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ सर्च बार दिया गया है और लोकेशन का एक ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, जिसमें आप लोकेशन डाल सकते हैं अपने हिसाब से। जो मैंने आपको बताया था कैंटन होते हैं, 26 कैंटन होते हैं दोस्तों, 26 प्रांत हैं स्विट्जरलैंड में। आप अलग अलग प्रांत में जॉब सर्च कर सकते हैं और कौन सी जॉब सर्च करना चाहते हैं वो भी टाइप कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑल फिल्टर्स वाला ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अलग अलग चीजें जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कि जॉब कब पोस्ट की गई है, मतलब कितने दिन पहले पोस्ट की गई है दोस्तों, ये डाल सकते हैं आप। वर्कलोड कितना होगा आपको ये डाल सकते हैं, पोजीशन क्या होनी चाहिए आपकी वो डाल सकते हैं आप दोस्तों, वर्किंग लैंग्वेज क्या होनी चाहिए आपकी वो डाल सकते हैं दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या होना चाहिए दोस्तों वो डाल सकते हैं, और बाकी यहाँ नीचे ऑक्यूपेशन फील्ड वगैरह दी गई है वो डाल सकते हैं, उसके बाद जो है सर्च कर सकते हैं ठीक है। इंडस्ट्री वगैरह दी गई है वो भी डाल सकते हैं। ये सारी चीजें डाल करके जो है आप अपने लिए फिल्टर कर सकते हैं जॉब और बहुत आसानी से जॉब सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद जो है अलग अलग टाइप की जॉब्स आ जाएंगी आपके सामने। आप देखिए यहाँ पर मैनेजर की जॉब आ गई है, प्राइवेट कस्टमर एडवाइजर की जॉब आ गई है दोस्तों, स्टोर विजुअल मर्चेंडाइजर की जॉब आ गई है। नीचे की तरफ आएंगे सेल्स असिस्टेंट की जॉब आई है दोस्तों, फ्लोर मैनेजर की जॉब आई है, सेल्स असिस्टेंट, उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिस असिस्टेंट, उसके बाद स्पेशल क्लीनर की जॉब अवेलेबल है दोस्तों, एम्प्लॉई ऑफ द केटरिंग सर्विस ऑन द वार्ड की जॉब अवेलेबल है दोस्तों, स्पेशलिस्ट इन एब्सेंस मैनेजमेंट की जॉब अवेलेबल है दोस्तों, सेल्स एम्प्लॉई की जॉब अवेलेबल है, नर्सिंग की जॉब अवेलेबल है, ग्रेड इलेक्ट्रीशियन की जॉब अवेलेबल है दोस्तों, ब्रांच मैनेजर की जॉब अवेलेबल है, सर्टिफाइड एक्सपर्ट की जॉब अवेलेबल है दोस्तों, मतलब आपको हर टाइप की जॉब देखने के लिए मिलेगी। लेबर की जॉब अवेलेबल है, जूनियर कंट्रोलर की जॉब अवेलेबल है आपको यहाँ पर, हाईली स्किल्ड जॉब देखने के लिए मिलेंगी आपको यहाँ पर, सेमी स्किल्ड जॉब्स देखने के लिए मिलेंगी, और आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर किसी एक जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर सेल्स असिस्टेंट लिखा हुआ है दोस्तों, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर ही अप्लाई का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जॉब कब पोस्ट की गई है वो भी आप देख सकते हैं, 4 अगस्त यानी कि रिसेंट जॉब है दोस्तों। लैंग्वेज जर्मन पूछी जा रही है, तो अगर जब जर्मन पूछी जा रही है दोस्तों तो आप जो है इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपको जर्मन आती नहीं है ठीक है, तो इसको स्किप कीजिए। इसी तरीके से जो है आपको हर एक जॉब को ओपन करना होगा दोस्तों और खुद के लिए सही जॉब ढूंढनी होगी। सपोज यहाँ पर स्पेशल क्लीनर की जॉब अवेलेबल है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्क बताया जा रहा है, यहाँ पर लैंग्वेज की कोई बात नहीं की जा रही है दोस्तों, साथ ही आपको क्या करना है वो बताया जा रहा है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए वो बताया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं वाई मतलब इस कंपनी में जॉब क्यों करनी चाहिए वो भी बताया जा रहा है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, जिस पर क्लिक करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई किया मैंने, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म खुल चुका है दोस्तों, जिसपे आपको जो है अपनी जानकारी भर देनी है। आप वुमन है, मिस्टर है, मिसलेनियस है, वो भर दीजिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह डालने के बाद ये सारी चीज़ें, सीवी कवर लेटर अपलोड करने के बाद नीचे की तरफ आपको जो है सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजिली जो है आप अलग अलग टाइप की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है, जॉब सर्च करना है, उससे पहले जो है आपको सीवी कवर लेटर बना लेना होगा दोस्तों, क्योंकि जॉब अप्लाई करने के लिए सीवी और कवर लेटर की जरूरत पड़ने वाली है, और सीवी कवर लेटर बना लेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी दोस्तों। देखा दोस्तों कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल है, और आपको इन सभी जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए जो है सीवी और कवर लेटर की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। अगर आप स्विट्जरलैंड फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप खुद से अपना सीवी कवर लेटर बना सकते हैं दोस्तों फ्री में, आपको किसी को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको कुछ करना नहीं है, आपको europa.eu की वेबसाइट पर जाना है दोस्तों, ना आपको लॉगिन करना है, ना आपको किसी भी लंबे प्रोसेस के पचड़े से होकर गुजरना है दोस्तों। आपको जो है गेस्ट के तौर पर जो है इस वेबसाइट पर सीवी कवर लेटर बनाने का मौका मिलेगा, आप सीवी कवर लेटर खुद से बना
सकते हो europa.eu की वेबसाइट। फिर से एक बार बता दो दोस्तों, इस वेबसाइट पे आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड सीवी कवर लेटर फ्री में बनाने का मौका मिलता है। तो वेट करना छोड़िए, अगर आप थोड़ी सी मदद चाहते हैं दोस्तों तो आपको हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, जिन वीडियोस को देख करके जो दोस्तों आप अपने लिए सीवी कवर लेटर बना सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी सीवी कवर लेटर बनाइए, जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए और फिर आपको भी मिल सकता है दोस्तों स्विट्जरलैंड का वर्क वीजा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को पसंद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।